बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने पासपोर्ट प्रो करने के लिए मैं एक शहर से अपनी पासपोर्ट करता हूँ। हंसती है अपनी ऐसी, मिलती नहीं किसी से, क्यों तो रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे भाइयों और बहनों और मोहतरम बुजुर्ग साथियों, आज का ये दिन बड़ा ही मुकद्दस दिन है, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ादी मिल चुकी, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था, जो कि संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने एक निश्चित अवधि के अंदर अपना संविधान प्रारूप तैयार करके इस देश में संविधान लागू कर दिया था। संविधान की देन है जो आपके हुकूम दरमियान है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, क्योंकि उनके संविधान से ही आपको स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखा गया है। स्वतंत्रता सुनिश्चित होने का मतलब आपको बखूबी तौर से समझाऊंगा। स्वतंत्रता सुनिश्चित होने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आप जब तक स्वतंत्र हैं, आप जब तक आजाद हैं, जब तक आप दूसरे की आजादी को छीनते नहीं या उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, आप जब तक आजाद हैं। और उस काम के लिए आजाद हैं कि जो संविधान हमें उस चीज की इजाजत देता है, क्योंकि संविधान के अंदर एक मूल रूप फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो खासकर निर्मित किए गए हैं, सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। ये सबसे बड़ा, मैं मानना चाहूंगा सबसे बड़ा अधिकार यही माना जाएगा। क्यों? कि सबसे बड़ी चीज है समानता, इक्वालिटी, क्योंकि आप सब बच्चे बैठे हुए, इसमें कुछ गरीब भी है, कुछ अमीर भी है, कोई हर बिरादरी का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, बिरादरी का आदमी यहाँ बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, क्यों देन है, फंडामेंटल राइट की देन है। क्यों? कि आपके बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, आप सब इक्वल है, समानता है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर जाते हो, आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, स्कूल में पढ़ते हो या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या किसी भी अस्पताल में, किसी भी कहीं भी जाते हो, आपको सबको समानता का अधिकार मिलता है। तो वो दिन संविधान की देन, संविधान वो चीज है कि जिससे हमें सब चीज का अधिकार मिल रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज मेरा आज का जो रह रहा है बोलने का, वो सिर्फ शिक्षा में नहीं रहा है। मैं पहले से ही जोर अपना, मेरा जो फोकस रहा है वो शिक्षा में रहा है, कि पर सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी आज इस स्तर तक नीचे जा चुकी है कि यदि आप अगर बैंक में खड़े हो और एक बच्चा अगर जो आपको सीख जाए पढ़ा लिखा, तो आप उससे कहो कि हमारा बैंक का फॉर्म भर दो, तो उस बच्चे का हार्ट फेल होने का हो जाएगा, लेकिन बैंक का फॉर्म नहीं भर सकता, उसकी शिक्षा किस कदर तक नीचे गिरी है। भले ही उसने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया हो या 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया हो, लेकिन उसकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक आपका बैंक से फॉर्म भी भर। तो उस शिक्षा को, उस इल्म को इतनी मजबूती के साथ लेके चलना है कि आपको कहीं भी मार ना खानी पड़े, कहीं भी सर न झुकाना पड़ जाए। ये नहीं कि आप स्कूल जा रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, कि आपसे क्या कर रहे हो वहां जाके, वो अल्लाह बेहतर जानता है, आप बेहतर जानते हो, लेकिन महाल अपना इल्म इतना मजबूत हो कि किसी के हाथ में, किसी के सामने आपको जाकर सिर न झुकाना पड़े और निर्णय लेना नहीं करनी पड़े। आपका इल्म इतना मजबूत होना चाहिए, अपने अंदर एक जोश पैदा करना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है, इस कम्युनिटी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और ये जब लेके जाया जाएगा, जब आप अपनी शिक्षा पर पूरा केंद्रित करोगे, ध्यान केंद्रित जब भी होगा आपका शिक्षा पर, जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे वालिद हमारी वालदा किस तरीके से पैसे जोड़कर हमें पढ़ा रहे हैं। ये कम्युनिटी, ये समुदाय से मजाक बनाने के लिए, यदि आप पढ़ रहे हो तो आपकी मजाक बना देंगे, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला मिलेगा। आप अभी एक पोस्ट कर दो, आपकी मीम्स बना के शेयर कर देंगे कि वो बच्चा बोलने वाला था, आज यहाँ भाषण कर रहा हूँ, तो मेरी ही मीम्स बना के उसको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, कि ये इजाजत से आप बन रहा है। लेकिन इन लोगों को आपको नजरअंदाजी करनी पड़ेगी।
सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे हो, अपनी इस कम्युनिटी को आगे पहुंचाने का। तो मेरे भाइयों, जब आप इल्म हासिल करोगे तो हर तरह की मुसीबतें आपके सामने हैं। कभी पैसे की मुसीबत होगी, कभी सामान की मुसीबत होगी, खासकर लड़कियों के लिए जो बेचारी स्कूल जाती है। मैं इस चीज को अपनी नजर से खुद देख चुका हूँ कि कुछ हमारे माशरे के लड़के लड़कियों को परेशान करना शुरू करते हैं। लड़के जैसे स्कूल जाती है तो उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, उस पर फोर्स करते हैं उस लड़की को, उसे घर तक बिठा देते हैं। अब खासकर हमारा समुदाय मुस्लिम समुदाय लड़की का कोई भी कोई मजाक भी करते हैं उसे घर बिठाना, इसलिए आज हमारी कम्युनिटी सप्ताह तक कमजोर होने जा रही है। तो मेरे भाइयों, इसके लिए एक शायर है, दुनिया में कुछ पाना है तो चाहे पहले आती, दुनिया में कुछ पाना है तो चाहे पहले आती है, और किसी को गले लगाना हो तो बाहें पहले आती है, और सफर का मजा मंजिल मिलने से ज्यादा होता है। सफर का मजा मंजिल मिलने से ज्यादा होता है, क्योंकि मंजिल बाद में मिलती है और राहें पहले आती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई हमारे पूरी दुनिया में उत्पन्न हुई, खासकर हमारे देश पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और जिसमें कि आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई, हर आदमी की आदमी बेरोजगार हो गया, और दूसरा कि विद्यालय हमारे बन रहे हैं, मदरसे हमारे बन रहे हैं, जिसके कारण फिल्म की जो एक सीढ़ी होती है होता है वो कमजोर पड़ी। तो उसके लिए कहना चाहूँगा कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है बदल जाएगा। वक्त की नब्ज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो, रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी टल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। और प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा एमसीए स्टडी है और सिर्फ शिक्षा है और इल्म है, कि मैं अपनी कम्युनिटी को ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपको इतना सपोर्ट कर दूंगा और सपोर्ट करता हूँ जो है, पर हाल में किसी चीज़ को कोई शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी होती, कोई सवाल पूछने हो तो वो आप किसी भी निश्चित समय पर आकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं औरों को भरोसा नहीं देता, मैं अपना भरोसा करता हूँ, मैं आपको हर समय बताऊंगा। क्यों बताऊंगा कि मैं एक वकालत वाला बच्चा हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी मदद के लिए कर रहा हूँ कि कल समाज को गलत चीज़ों से बचाया जा सके। जब लड़ाई कोर्ट तक की हो तो कोर्ट तक भी आपको इंसाफ दिलाया जा सके। तो मेरे भाइयों, एक शायर है जनाब इमरान प्रताप बेड़ी जी का, और बड़ा बेहतरीन शायर है, पेश करता हूँ। किस तरह हौसले आजमाया करो, किस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, और दो निमाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं चाहते ना आपकी बात रखते हुए समय को देखते हुए मैं एक अपनी नज़र पेश करना चाहूंगा और पेश करता हूँ। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। इब्तदा लफ्ज़ इकरार यारो, जिसके कुरान की हो रही है। इब्तदा लफ्ज़ इकरार यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से पढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। पी सको जितना पीना हो तुमको,
जाहिलत से बेहतर यही है, पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलत से बेहतर यही है। ये समुंदर है इल्म व हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समुंदर है इल्म व हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। बच्चों बोल कर सुनो भाई, ख्याल से पढ़ो, कोई वैसी बकवास नहीं की जा रही है, आपको समझाने के लिए बात कही जा रही है। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी, पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पड़े अब गुजारा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा था और उस दौरान एक शायर मुझे लिखा था, अरे मुहर्रम का ही महीना चल रहा है तो मेरा मन ज्यादा बन जाता है कि एक सब एक शायर अपने अपने कम्युनिटी के लिए और अपने समुदाय के लिए खाते थे। बहुत फरमाई हस्ती अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का काजदार है घराना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है वो जमाना हुसैन।